निसार, कल रात मैंने नेहा को देखा। याद करो निसार, हमारे छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाले राम और नेहा। उसे कहां देखा तुमने? कल रात राज सिंह की पार्टी में। राज ने मुझे अपनी बेटी की सगाई में बुलाया था और नेहा, नेहा उसी की बेटी थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वीरेन? जो लड़की 22 साल पहले मर गई वो 22 साल की कैसे हो सकती है? मानता हूं, लेकिन अगर कल रात तुम उसे देख लेते तो तुम भी धोखा खा जाते। हूबहू वही शक्ल, वही कद, वही रंग, सब कुछ वैसा ही। सिर्फ सिर्फ उसकी होठों के ऊपर वो काला तिल नहीं था और वो काली लंबी चोटी जो नेहा बनाती थी, बस। वरना बिल्कुल नेहा। नेहा? ऐसा होता है वीरेन, एक शक्ल के दो इंसान भगवान हमेशा बनाते हैं। दुनिया के किसी न किसी कोने में ऐसा होता है जो शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। ये महज एक इत्तफाक है वीरेन। मैं जानता हूं निसार, समझ सकता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन कल रात एक और अजीब बात हुई। जैसे ही उस लड़की ने मुझे देखा वो बेहोश हो गई। मुझे लगा उसने मुझे, निसार मेरे तो पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। एब्सोल्युटली नॉर्मल, टेंशन किस बात की है? आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर, कैसे टेंशन नहीं होगा? आशा मेडिकली शी इज एब्सोल्युटली फिट, इसे कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें याद है पिछली बार जब हमने इसके सारे रिपोर्ट्स निकलवाए थे, सबके सब नॉर्मल थे। हाँ डॉक्टर, बट तुम चाहो तो हम फिर से निकलवा सकते हैं। यस सर। लेकिन फिर से सारे के सारे नॉर्मल आएंगे। चलो, थैंक यू डॉक्टर, बाय बाय, टेक केयर, यू आर फाइन। दैट्स इट, दैट्स इट। कम ऑन आशा। इज एवरीथिंग ओके? Of course everything is okay. She's absolutely all right. Tension लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आशा को ये दवाइयाँ लिख दी हैं। आप लोग मंगवा कर उन्हें देना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। And वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पड़ी तो मुझे बुला लेना। जरूर। Okay? And don't worry, she's all right. Thank you very much. Bye bye. Thank you, doctor. Not at all. राज, ये अचानक कल विद्या को क्या हो गया था? समझ में नहीं आता आशा। इसने वीरेन को देखा और देखते ही बेहोश हो गई। हेलो राज साहब, वीरेन चौधरी बोल रहा हूँ। कैसे हैं चौधरी साहब? जी मैं तो अच्छा हूँ। आपकी बेटी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर आए थे, उसे दिक्कत है। मैं तो डर ही गया था कि ना जाने अचानक क्या हो गया है उसे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी उसे, मुझे कहना नहीं चाहिए, ऐसे दौरे पड़ते हैं, लेकिन ये आपकी वजह से ही आपको देखकर। लेकिन उसने मुझे तो उस दिन पहली बार देखा था, और बल्कि मैं तो आपको खुद फोन करने वाला था ये कहने के लिए कि I'm extremely sorry,
जो कल हुआ वो होना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, बस वो खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर कॉलिंग चौधरी साहब। जी आप अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। जी जरूर। तो तू जा रही है? हाँ, मन तो कर रहा है कि रुक जाऊं, तुझे इस हालत में छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूं, फाइनल सेमेस्टर जो है। नहीं नहीं बहुत जरूरी है, तू मेरी चिंता छोड़ दे, अपना ख्याल रख। एक और बात किरण, तू ये जो लड़कों के साथ घूमती है, उन्हें बेवकूफ बनाती है, ये सब मत कर, किसी दिन पछताएगी। ओके बाबा, नहीं करूंगी, पर तू अपना ध्यान रख। ओके हाँ, और तू भी मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये लो दवाई खा ले। चल मैं तुझे नीचे तक छोड़ाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, आराम कर यहाँ पर। ओके नाउ गो टू स्लीप। Come on quickly. Close your eyes and close them tight. Okay. Bye. Bye. Take care. अच्छा मामा, मैं चलती हूँ। विद्या का ध्यान रखना। तू चिंता मत कर। अरे नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाय हाय सूरज। विद्या कैसी है? ठीक है, शी इज फाइन। अंडी एक्चुअली उसके जितने रिपोर्ट्स हैं और टेस्ट्स हैं मुझे सारे चाहिए थे। हाँ बेटा, पर क्यों? मैं किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, और आंटी अगर आपको इतराज ना हो तो जिस डॉक्टर के अंदर मैंने पढ़ाई की अमेरिका में, मैं उनकी भी राय लेना चाहता। हमें क्या ऐतराज हो सकता है बेटा? कैसी तबीयत है? अच्छी है। मैं दवाई लेके आती हूँ तेरी। हेलो विद्या। किसका फोन था राज? पता नहीं, मेरी आवाज सुनकर काट दी उसने। तुझे क्या लगता है बेटा, कौन हो सकता है? जब भी मैं या तेरे पापा फोन उठाते हैं रख देता है। पता नहीं मामा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब भी उठाती हूँ तो रख देता है। तुझे नहीं लगता ये किरण के लिए? मुझे तो ऐसा ही लगता है। यू नो बहुत शैतान है, जरूर किसी ना किसी को परेशान करती होगी। और रुक, मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो
हेलो विद्या, विद्या फोन मत रखना। विद्या विद्या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। विद्या देखो, मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। मेरी सगाई हो चुकी है और शादी होने वाली है। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। विद्या विद्या देखो, तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ? देखो, मेरी शादी मेरी मर्जी से हो रही है। मुझसे 10 बार पूछा गया था और सूरज मुझे पसंद है। देखो, मैं भी जानता हूँ कि सूरज बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन लेकिन प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दोगी तुम? देखो अर्जुन, मेरे पास ये सब बातें करने के लिए वक्त नहीं है। तुम हालात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम ये जो भी कर रहे हो वो एक तुम्हारा जुनून है, और तुम्हारे इस जुनून ने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। और फिर ऐसा भी तो नहीं है ना कि हमारे बीच कोई रिश्ता रहा हो? विद्या, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज। ये मुमकिन नहीं है। किसका फोन था? जी पापा। विद्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किसका फोन था? मामा, कुसुम का। कुसुम का फोन था? कुसुम हमारी आवाज सुनकर फोन क्यों रखती है? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है? एनीवे, जैसा भी है हमें पता चल जाएगा, हम भी कुसुम की आवाज सुन लेंगे। अच्छा चलो, कम ऑन। देखो आशा, जो कुछ भी है, विद्या जैसी भी है, इस वक्त वो झूठ बोल रही है। बात क्या है? ये टेलीफोन कॉल्स, उसके चेहरे पर डर, उसका छुपाना, मैं पता लगा कर ही रहूंगा। किसका फोन था? विद्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसका फोन था? कुसुम का फोन था। कुसुम हमारी आवाज सुनकर फोन क्यों रख देती है? एनीवे, जैसा भी है हमें पता चल जाएगा, हम भी कुसुम की आवाज सुन लेंगे। विद्या, क्यों आए हो तुम यहां? तुमसे मिलने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फोन पर तुम आती नहीं हो, बात तुम मुझसे करना नहीं चाहती। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं कुछ नहीं समझूंगा। विद्या विद्या, समझना तुम्हें होगा। बंद करो अपनी ये बकवास। जब से मेरी जिंदगी में आए हो परेशान करके रखा है। परेशान तो तुम तब होगी जब तुम ये शादी करोगी। तुम्हें तब पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। विद्या विद्या, तुम सूरज से शादी करना चाहती हो ना? कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज, अगर तुम थोड़ा रुक सकती हो तो रुक जाओ। Just shut up and go away. मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। विद्या विद्या विद्या। जी मामा, तुम ठीक तो हो ना? जी मामा, मैं ठीक हूँ। कमरे में कोई है क्या? नहीं मामा, मैं सो रही हूँ। नहीं, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, मुझे लगा कि कमरे में कोई है। नहीं नहीं मामा, मैं सो रही हूँ। अच्छा बेटा, सो जाओ, आराम करो। हाँ प्लीज प्लीज, इस वक्त यहाँ से चले जाओ। भगवान के लिए अर्जुन, मुझ पर तरस खाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। बिल्कुल नहीं, कभी भी ऐसा नहीं चाहता। तो फिर प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ अर्जुन। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम
तुम जरूर आओगी। ठीक है मैं आऊंगी, मैं तुमसे कल बात करूंगी। मैं नहीं चाहती मम्मा पापा तुम्हें देख ले, प्लीज चले जाओ अर्जुन। ओके ठीक है, कल कल 5 बजे आओगी ना? हाँ आऊंगी। पक्का? हाँ जाओ कल पक्का। हाँ याद से बोलना नहीं।